Hello friends, this is Anubha Srivastava. Today we will see how to compute mean by short method or assumed mean method. Actually क्या है ना कि जब हम long method के through mean की गणना करते हैं तो इसमें मध्य बिंदुओं से उनकी संगत आवृत्तियों का गुणा करना होता है और फिर इस प्रकार से प्राप्त सभी गुणनफलों का योगफल ज्ञात करना होता है. इस गणना को करने में प्रायः बड़ी बड़ी संख्याओं का आपस में गुणा करना तथा जोड़ना होता है, जिससे कभी कभी गणना में कठिनाई होती है और समय भी अधिक लगता है. तो इन कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए मध्यमान की गणना करने के लिए एज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्ट मेथड का भी प्रयोग किया जाता है. तो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड से किस प्रकार से मीन आसानी से निकाली जा सकती है. सो फॉर्मूला इज मीन इज इक्वल टू ए एम एज्यूम्ड मीन प्लस सी इंटू आई. सो मीन डिनोट करता है मध्यमान को, ए एम है हमारा कल्पित मध्यमान यानी एज्यूम्ड मीन, सी है संशोधन यानी करेक्शन और आई है साइज ऑफ क्लास इंटरवल यानी वर्ग विस्तार. एम इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई. बेसिकली ये सी का फॉर्मूला है, सिग्मा एफ डी अपॉन एन, सी निकालने के लिए, संशोधन और करेक्शन निकालने के लिए. अब हमारा ये क्लास इंटरवल दिया होगा और ये फ्रिक्वेंसी दी होगी. सबसे पहले हमें क्या करना है, एज्यूम्ड मीन के लिए कल्पित मध्यमान निकालने के लिए ये क्लास इंटरवल के मिड का वैल्यू देखनी होती है. यहाँ पे हमने अगर इसका मध्य बिंदु, जो मैंने पहले के सेशन में आपको मीन लॉन्ग मेथड जब मैं मीन निकालना बता रही थी तो मैंने बताया था कि मध्य बिंदु किस प्रकार से निकाला जाता है, अंडर स्कोर प्लस लोअर स्कोर अपॉन टू. इसका हमने मिड पॉइंट निकालना है जो कि आएगा 152, यहाँ पे मैंने दिखा रखा है. तो इसको हमने एज्यूम्ड मीन माना और ये बीच की जो फ्रिक्वेंसी है 10, यहाँ पे हम क्या करते हैं, डी निकालते हैं, स्मॉल डी. इसको हम, इस वैल्यू को हम यहाँ पे 0 मान लेते हैं और इसके ऊपर +1 +2 +3 +4 +5 तक जाते हैं और नीचे की वैल्यू माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5 -6. अब एफ डी निकालने के लिए फ्रिक्वेंसी को ये डी से इंटू करना होता है, गुणा करना होता है. तो 1 × 5 2 × 4 ऐसे कर करके हमने अलग अलग क्लास इंटरवल की अलग अलग यहाँ पे एफ डी निकाल ली, एफ को डी से इंटू कर लिया. इसके बाद ये सारा हो गया हमारा गुणन, गुणा कर लिया हमने. अब इसके बाद ये सारी जो वैल्यू है जो अपर प्लस की है, 0 से जो ऊपर के भाग की, इनको हमने सबको प्लस कर लिया जो कि आई +43 में, और नीचे जो माइनस में वैल्यू दी हुई है इनको अलग से प्लस किया जो कि वैल्यू आई -54. ये चूंकि प्लस का साइन था इसलिए यहाँ पे +43 था और ये सारे माइनस के योगफल का है इसलिए ये -54 है. सिग्मा एफ डी के लिए बेसिकली कैसे -11 आया, हमने 54 से 43 माइनस किया, ये हमारी वैल्यू आ गई सिग्मा एफ डी 11. अब हमें फॉर्मूला में पुट करना है, m इज इक्वल टू ए एम प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई. ए एम एज्यूम्ड मीन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मध्य बिंदु निकालते हैं इसका. एज्यूम्ड मीन यानी हमारा जो क्लास इंटरवल का मध्य बिंदु होता है. तो मध्य बिंदु निकालने के लिए 150 प्लस 154 अपॉन 2, हमारी वैल्यू आई 152. और सिग्मा एफ डी, ये जो हमने सारी एफ डी निकाली थी, सिग्मा एफ डी -11, एन हमारा ये जो फ्रिक्वेंसी के जो योगफल था 50, और आई जो हमारा ये साइज इंटरवल 5. अब इसके बाद हमने फॉर्मूला को पुट करना है. आप देख सकते हैं ये मीन है, यहाँ 152 एज्यूम्ड मीन था प्लस सिग्मा एफ डी -11 आया था अपॉन एन, एन हमारा 50 था, वर्गांतरों की जो आवृत्तियाँ थी उसका योगफल, इंटू आई, साइज ऑफ क्लास इंटरवल 5 था. इसको जब हमने फॉर्मूला में पुट किया और वैल्यू को जब कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आया मीन इज इक्वल टू 150.9. सो दिस इज आवर मीन बाय शॉर्ट मेथड. सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू सो मच.